हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आपको बच्चों याद ही होगा कि हम एक स्टैंडर्ड बुक को सॉल्व कर रहे हैं। ऑलमोस्ट उसके 20 सवाल हमने एक्सरसाइज 1 के कर लिए हैं। और जो चैप्टर चल रहा था लॉगरिथम, जो स्टैंडर्ड बुक का नाम है, वो आप कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से देख सकते हैं। आज उसी बुक का हम एक सबसे पहले एक्सरसाइज 1 का सवाल करेंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 21। और उसके बाद हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज 2 जो है वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है, तो उसके जो पहले 3 सवाल है वो आज मैं आपको कराने वाला हूं। अगर आप एक्सरसाइज 1 का कोई और सवाल पर्टिकुलरली चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं आपसे, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का अमेजिंग सा लेक्चर। क्वेश्चन 21 में बच्चों अपने पास दिया हुआ है, जो डेटा लिखा है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये अपने पास बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, इसे अपन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर हम इसका लॉजिक समझें तो हमें देखो क्या दिया जा रहा है कि x की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, अगर वो इस फॉर्मेट की है तो आप कंपेयर करके m और n निकालिए और इसकी वैल्यू आप बताइए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको अगर सॉल्व करूं तो देखो मेरे पास लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ लॉग बेस 2 पर नंबर की जगह 1/x, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2+f, ठीक है क्या। ये अपने पास सवाल दिया हुआ, मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास आ जाएगा लॉग बेस 2 पर नंबर की जगह 1/x, दिस विल बी इक्वल टू 2+f का स्क्वायर। ये अपने पास चीज आ जाएगी। और जैसी ये चीज हमारे पास आती है, 2 की पावर अगर मैं रेज करूं तो 1/x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यहां से 2 raised to the power, ये आ जाएगा बच्चों क्या, 2+f का होल स्क्वायर। ये अपने पास आ गया। अब आप देखो 1/x की आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है, 1/x की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब आप इस बात को बच्चों समझने की कोशिश करिए कि अगर 1/x की ये वैल्यू है तो x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होगी, मतलब 1/2 raised to the power, ये आ जाएगा हमारे पास 2+f का स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ जाती है। अब जैसी बच्चों ये चीज हमारे पास आ गई, तो अब आप ये देखिए कि आपको अब x का वैल्यू सेट बताना है, इस फॉर्मेट का x का वैल्यू सेट है। और f का वेरिएशन क्या है, f का वेरिएशन है 0 close to 1 ओपन, तो हम यहां पे लिख सकते हैं नाउ f जो है वो कहां पर है, 0 close to 1 ओपन के बीच में, f जो है वो 0 close to 1 ओपन के बीच में हमें दिया हुआ है। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो देखिए जब f सबसे छोटा होगा तब ये चीज सबसे छोटी होगी, तो ये जो पूरी चीज है ये सबसे बड़ी होगी, मतलब कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, x की मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट f is equal to 0, जब आप f को 0 रखेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी आएगी, f को 0 रखते ही यहां पर ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब 2 raised to the power 4, तो ये आपके पास आ जाएगा x will be equal to 1/2 raised to the power 4, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिमिलरली अगर मान लो मुझे x की मिनिमम वैल्यू बतानी, तो x की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। और ये f मैक्सिमम कितना हो सकता है, f मैक्सिमम 1 को अप्रोच कर सकता है। याद बेटा इस बात को आप रखिए कि f यहां पर ओपन ब्रैकेट में है, मतलब f की वैल्यू कभी भी 1 हो नहीं सकती, वो 1 के करीब जाएगी। तो अगर मैं f को 1 के करीब लेके जाऊंगा तो ये 2+1 के करीब, मतलब ये 3 के करीब जाएगा, उसका स्क्वायर पूरी चीज 9 के करीब होगी, तो दिस विल बी अप्रोचिंग 1/2 raised to the power 9, एग्जैक्ट 1/2 raised to the power 9 से छोटा होगा, लेकिन ये उसकी तरफ जा रहा होगा, ठीक है। और ये हमारे पास होगा एट f इक्वल टू 1, जब f 1 के करीब जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 raised to the power 9, ठीक है। तो हमारे पास x का वेरिएशन आ रहा है 1/2 raised to the power 9, देखो इसके करीब जा रहा है, मतलब ओपन ब्रैकेट आएगा, एग्जैक्ट 1/2 raised to the power 9 तो हो नहीं सकता, उससे छोटा ही होगा, इसलिए यहां पर ओपन ब्रैकेट आ रहा है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये देखो ये 1/2 raised to the power 4 एग्जैक्ट होगा f इक्वल टू 0 पर, क्योंकि यहां क्लोज ब्रैकेट है, तो यहां से ये जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1/2 raised to the power 4। अब हमें यहां पर 4 की पावर में लिखा है, तो अगर 4 की पावर में लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, x belongs to 1 by, अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ये 4 raised to the power 9/2, और यहां पर भी अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर, और यहां पर बेटा अपने पास जो है वो आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, यहां पर अपने पास आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए कंपेयर करते m की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9/2, और m की वैल्यू 9/2 के बाद बच्चों n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2, तो हमें वैल्यू बतानी है किसकी, हमें वैल्यू बतानी है 4m plus n की, तो 4m plus n will imply 4 into m मतलब कितना आ जाएगा 18 plus n, n मतलब 2, तो ये अपने पास आ जाएगा 20, ठीक है क्या।
एक बार इसका अपन आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। बिल्कुल इसका सही आंसर अपने पास दिया है, डी ऑप्शन लिखा हुआ है, विच इज द राइट आंसर। 20 इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है, पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। ठीक है बच्चों, तो अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 2 के पहले 3 सवाल। ये अपने पास पैराग्राफ क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है ए की जो वैल्यू है, ए डिफाइंड है, ए इज द प्रोडक्ट ऑफ ए इक्वल टू एक्स वाई जेड। ए की वैल्यू आपके पास एक्स वाई जेड लिखी हुई है, वेयर वेयर लॉग, वेयर लॉग एक्स बेस 3 इज इक्वल टू लॉग 5 माइनस लॉग 7, फिर लॉग y टू द बेस 5 इज इक्वल टू लॉग 7 माइनस लॉग 3, और लास्ट में बच्चों अपने पास यहां पर लिखा हुआ है लॉग z बेस 7, लॉग z बेस 7 इज इक्वल टू लॉग 3 माइनस लॉग 5। ये अपने पास बच्चों देखो चीज लिखी है, ठीक है। अब अगर ये अपने पास चीज लिखी हुई है, सबसे पहले ये a दिया हुआ है, फिर वैसे ही एक b लिखा हुआ है, फिर c लिखा हुआ है, फिर a b c में अपने पास सवाल है, तो पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराता हूं, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, अगर मैं पूरा लिखूंगा तो बहुत समय वेस्ट होगा। अगर मुझे सबसे पहले a की वैल्यू बतानी है एक्स वाई जेड का, अगर मुझे मान लीजिए प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, ये पैराग्राफ क्वेश्चन 1, 2, 3 है, मैं यहां पर लिख देता हूं, पैराग्राफ है ये, ठीक है। इसमें पैराग्राफ में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप बच्चों यहां से x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बहुत आसानी से आप x की वैल्यू लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर log 5 माइनस log 7, या आप लिख सकते हैं x को, या इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर log 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर log 7, ऐसे आप लिख सकते हैं x को, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिमिलरली बच्चों अगर मान लो मुझे y को लिखना हो, तो y को लिखने का क्या तरीका होगा, अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो y को देखो जरा सोच के, क्या मैं 5 रेज टू द पावर ये पूरी चीज लिख सकता हूं क्या? y को अगर मैं ध्यान से यहां पर देखूंगा तो क्या मैं y को 5 रेज टू द पावर ये पूरी चीज लिखूं? तो उससे हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर log 7 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर log 3, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा y। एंड सिमिलरली अगर मुझे z लिखना हो, तो z लिखने के लिए इसको क्या मैं डायरेक्टली 7 रेज टू द पावर log 3 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर log 5 ऐसा लिख सकता हूं। देखिए थोड़ा सा समझने में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। अगर इसमें कोई भी स्टेप में आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट में पूछिए। अब अगर एक बार हमने ये लिख लिया, तो देखिए आपको बोला जा रहा है एक्स वाई जेड, ए की वैल्यू क्या है, ए इज एक्स वाई जेड। अब अगर बच्चों ए की वैल्यू एक्स वाई जेड लिखी हुई है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू है हमारे पास 3 रेज टू द पावर log 5। ऑफ कोर्स अगर देखो बेस कुछ नहीं है, मतलब आप बेस उसका 10 मानते हैं, तो यहां मैं छोटा सा बेस 10 लिख देता हूं, अपॉन 3 रेज टू द पावर log 7 बेस 10 मल्टीप्लाइड बाय y की जगह 5 रेज टू द पावर log 7 बेस 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर log 3 बेस 10 मल्टीप्लाइड बाय z की जगह 7 रेज टू द पावर log 3 बेस 10 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर log 5 बेस 10। ये अपने पास चीज लिखी। अब अगर आप बच्चों लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करें, तो बहुत ही अमेजिंग सी प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी बोलती है कि जब इस प्रकार का हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हम आपस में अगर इंटरचेंज भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि 3 रेज टू द पावर log 5 बेस 10 की वैल्यू बराबर होती है 5 रेज टू द पावर log 3 बेस 10 के। दिस इज द सेम, एक प्रॉपर्टी है, आप चाहें तो बेटा इस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने सब कुछ अपलोड किया हुआ है, ये यानी प्रॉपर्टी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 3 रेज टू द पावर log 5 बेस 10 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर log 3 बेस 10। ये वाले जो दोनों नंबर्स होते हैं, इनको आपस में इंटरचेंज करना पॉसिबल होता है। मतलब आप बच्चों इस बात को समझो कि ये जो 3 रेज टू द पावर log 5 बेस 10 है, इसको आप कायदे से 5 रेज टू द पावर log 3 बेस 10 लिख सकते हैं। ये भी 5 रेज टू द पावर log 3 बेस 10, ये भी 5 रेज टू द पावर log 3 बेस 10, कैंसिल आउट। वैसे ही 3 रेज टू द पावर log 7 बेस 10 है, अगर मैं इसको भी इंटरचेंज करूं तो यहां पे 3 आ जाएगा और यहां पर 7 आ जाएगा, तो ये आ गया 7 रेज टू द पावर log 3 बेस 10, 7 रेज टू द पावर log 3 बेस 10, ये भी कैंसिल आउट। सिमिलरली यहां पर देखिए, ये 7 और 5 को भी अगर आप इंटरचेंज करेंगे, यहां पे 7 यहां पे
फाइव आप लिखेंगे तो सेवन रेस टू पावर लॉग फाइव बेस टेन, सेवन रेस टू पावर लॉग फाइव बेस टेन, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया और प्रोडक्ट इसका आ गया वन। तो अपना जो एक हिस्सा था सवाल का, ए की जो वैल्यू निकालनी थी एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट, वो हमारे पास आ चुका है वन। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ए की वैल्यू तो वन आ रही है, ठीक है, ए की वैल्यू वन आ रही है। इसको अपन जल्दी से क्लियर करते हैं और अब बी में क्या सवाल लिखा हुआ है वो देखते हैं। बी में बच्चों अपने पास लिखा हुआ है बी डिनोट्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सॉल्यूशन। मैं यहां लिख देता हूं बी जो है बी डिनोट्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सॉल्यूशन B denotes the sum of squares of solution of the equation अब देखिए एक equation हमारे पास दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। log base 2 पर बच्चों ये लिखा है और फिर लिखा हुआ है log base 2 पर और x raised to the power 6 minus 3, ये अपने पास एक चीज आ गई, minus log base 2 पर अपने पास दिया हुआ है log बेस टू पर है x रेस टू द पावर 4 माइनस 5 इज इक्वल टू log 3 बेस। ये अपने पास बच्चों एक सवाल है जिसको अपने को सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों अपने पास जो चीज लिखी हुई है, हमें इसमें जितने x की वैल्यूज आएंगे उनके स्क्वायर्स का सम बताना है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले ये log बेस टू पर ये एक पूरी चीज लिखी है और माइनस log बेस टू पर ये एक पूरी चीज लिखी है। तो क्या इसको मैं सबसे पहले तो ऐसा लिख सकता हूँ log base 2 पर ये हमारे पास लिखा हुआ है log x raised to the power 6 base 2 minus 3 divided by log base 2 पर x raised to the power 4 minus 5। सबसे पहले तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है ना, ये log base 2 पर ये पूरी चीज है माइनस log base 2 पर ये पूरी चीज है। तो आप सबसे पहले log m माइनस log n करके log m by n लिख सकते हैं एंड इज इक्वल टू हमारे पास ये लिखा हुआ है log 3 base 2। अब आप इस बात को समझिए, देखिए ये भी log base 2 पर है, ये भी log base 2 पर है, मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं therefore log अंदर वाली जो पूरी चीज है log base 2 पर x raised to the power 6 minus 3 divided by log base 2 पर x raised to the power 4 minus 5, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ये अपने पास सवाल है। अब हमने बेटा आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगेन आप प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि जब भी आप इवन पावर को सामने लेके जाते हैं, जब भी हम इवन पावर को सामने लेके जाते हैं, ये बात तो सबको समझ में आती है कि आप यहां पर 6 लगा सकते हो, यहां से 4 हटा के आप यहां पर 4 लगा सकते हो। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि जब भी बच्चों हम इवन पावर को सामने लेके जाते हैं हमें यहां पर मॉड लगाना चाहिए। इवन पावर को हम जब भी सामने लेके जाते हैं हमें मॉड लगाना चाहिए। मॉड क्यों लगाना चाहिए मैं आपको ये भी समझा देता हूं। देखिए अभी x की पावर में 6 है ओरिजिनल सवाल में, मतलब आप x को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख सकते हैं। आप नेगेटिव भी रखेंगे तो क्योंकि इवन पावर है तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 6 सामने लेके गए और अगर आप यहां पर सिर्फ x रहने दिए तो यहां पर x सिर्फ पॉजिटिव हो गया तो ये सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तो ये गलती से बचने के लिए आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि कभी भी जब हम मॉड बेटा आ जाता है कभी भी जब हम इवन पावर को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से इसको देखिए हम सॉल्व अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 टाइम्स log mod x बेस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 टाइम्स log mod x बेस 2 और माइनस 5 इंटू 3 इज माइनस 15। ये चीज अपने पास आ जाती है। अब यहां से बच्चों अगर हम देखेंगे तो ये 6 टाइम्स इधर आ जाएगा तो अपने पास बचेगा 6 टाइम्स log mod x बेस 2 इज इक्वल टू 15 उधर आ जाएगा तो 15 माइनस 3 होता है 12। 6 और 12 कैंसिल आउट होगा 2 बचेगा, 2 उधर जाएगा तो mod x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब अगर mod x की बच्चों वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, इसका मतलब x की वैल्यू 4 भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस 4 भी हो सकती है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। अब आपको बोला जा रहा है देखिए आप x नेगेटिव वाले को रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मॉड लगा था ना, यहां पर देखो इवन पावर है तो नेगेटिव x भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें बोला जा रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 16, इसका स्क्वायर भी आ जाएगा 16, तो इनके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का सम मतलब कि b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, b की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाती है 32। जैसे आप दोनों को ऐड करेंगे दोनों के स्क्वायर्स के सम को, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 32। अगेन ए हमारे पास 1 आ चुका है, बी हमारे पास 32 आ चुका है, इसे हम जल्दी से क्लियर करते हैं और फाइनली जो सी है अब अपन उसे निकालते हैं। अब बच्चों सी अपने पास लिखा हुआ है, सी डिनोट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम, सी डिनोट्स
सी डिनोट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम। अब आप सबको बच्चों याद होगा कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा भी हमने पढ़ा है। अगेन प्लेलिस्ट का प्रेफर करें, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है और मेंटिसा जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। प्लेलिस्ट में सब कुछ अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप एक बार देखें और उसमें से चेकआउट करें वीडियोस को, बहुत आपको मजा आएगा। सवाल हमारे पास लिखा हुआ है लॉग बेस 2 पर, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है लॉग 3 बेस 2। सबसे पहले तो ये चीज हमारे पास दी है, उसके बाद लिखा हुआ है माइनस लॉग बेस 2 पर हमारे पास लिखा हुआ है लॉग 3 बेस 4, ये अपने पास दूसरी चीज लिखी है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है प्लस लॉग बेस 2 पर, अब लिखा हुआ है लॉग 5 बेस 4, लॉग 5 बेस 4। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है माइनस लॉग बेस 2 पर, लॉग 5 बेस 6, लॉग 5 बेस 6। फाइनली बच्चों अपने पास दो टर्म्स जो और लिखे हुए हैं, दैट इज लॉग बेस 2 पे हमें दिया हुआ है लॉग 7 बेस 6, लॉग 7 बेस 6, और फाइनली हमारे पास लिखा हुआ है माइनस लॉग बेस 2 पर ही लॉग 7 बेस 8, लॉग 7 बेस 8। ये अपने पास बच्चों लिखा हुआ है, इसे आपको पूरा सॉल्व करना है और आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। अब अगर हम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो मुझे जो चीज बच्चों इसमें समझ में आती है, देखिए अगर मैं ये वाले दोनों टर्म्स को पहले क्लब करूं, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को पहले क्लब करूं तो मुझे दिखता है कि लॉग बेस 2 तो मैं बाहर निकाल सकता हूं आराम से, ठीक है। लॉग बेस 2 जैसे मैंने ले लिया बाहर, तो यहां पर देखो लॉग एम माइनस लॉग एन है, तो लॉग एम बाई एन हो जाएगा यहाँ पे, तो दिस विल बी लॉग 3 बेस 2 डिवाइडेड बाय लॉग 3 बेस 4। देख लो ये अपने पास चीज आ जाएगी, ठीक है। अभी सिर्फ ये पहले वाले जो दो टर्म्स है इसको बॉक्स बना के मैंने लिखा, तो ये अपने पास आ जाएगा। जैसे आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो माइनस है तो ये डिवाइड में आ जाएगा अंदर। अब यहां से देखो हमें एक चीज पता है कि लॉग में रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आप रेसिप्रोकल करते हैं तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब इसको आप लिख सकते हैं लॉग बेस 2 पर ये लॉग 3 बेस 2 तो एज इट इज रह जाए, लेकिन ये लॉग 3 बेस 4 जब ऊपर जाएगा तो ये लॉग 4 बेस 3 बन जाएगा, ये हम कर सकते हैं। और अब मुझे ये चेन रूल लगता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो 2 से 3 पे और 3 से 4 पे, 2 से 3 पे और 3 से 4 पे, मतलब इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा लॉग बेस 2 के, और अंदर देखो क्या आ जाएगा 2 से 3 और 3 से 4 मतलब लॉग 4 बेस 2, और लॉग 4 बेस 2 क्या होता है 2 होता है, 2 से 3 और 3 से 4 मतलब लॉग 4 बेस 2 आ जाएगा ये पूरी चीज, ये पूरी चीज जैसे ही लॉग 4 बेस 2 आएगा तो लॉग 4 बेस 2 का वैल्यू 2 होता है, तो मैंने 2 लिख दिया, और फाइनली लॉग 2 बेस 2 होता है 1, मतलब ये वाला जो पूरा बॉक्स है तो 1 बन गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब बची हुई चीज देखते हैं। अब यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान से समझने की इसमें कोशिश करें तो आपके पास देखिए, अगर मैं ये वाले दोनों बॉक्स को अगेन पकड़ता हूं, ये वाले दोनों बॉक्स को, तो यहां से देखो मेरे पास आ जाता है लॉग बेस 2 पे और ये अपने पास आ जाएगा लॉग 5 बेस 4 डिवाइडेड बाय लॉग 5 बेस 6, ये अपने पास आ गया लॉग 5 बेस 4 डिवाइडेड बाय लॉग 5 बेस 6, लॉग एम माइनस लॉग एन है। जैसे आप रेसिप्रोकल करके लिखेंगे इसको आप लिख सकते हैं लॉग बेस 2 पर लॉग 5 बेस 4, ठीक है, और जैसे ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो यहां से आपके पास आ जाएगा लॉग 6 बेस 5, इंटरचेंज हो जाएंगे। अब यहां से हमारे पास देखो क्या आ गया, अगेन चेन रूल 4 से 5 और 5 से 6, 4 से 5 और 5 से 6, तो ये आपके पास इफेक्टिवली क्या लिखा हुआ है लॉग बेस 2 पे लॉग 6 बेस 4, ये आपके पास लिखा हुआ है इफेक्टिवली। अगर आप देखेंगे 4 से 5, 5 से 6 तो लॉग 6 बेस 4, ये अपने पास चीज आ गई। अब ये वाला भी बॉक्स हो गया, अब अपन देखते हैं ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को, तो अगेन आप इसमें भी अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए लॉग बेस 2 का अपने को एज इट इज दिख रहा है, और उसके बाद अपने पास यहां पर है लॉग 7 बेस 6, लॉग 7 बेस 6, और क्योंकि ये माइनस में है तो डिवाइड में आ जाएगा तो लॉग 7 बेस 8, ये अपने पास चीज आ जाती है, ठीक है। यहां से अगर हम देखते हैं तो देखिए अगेन रेसिप्रोकल करेंगे तो लॉग बेस 2 पर अपने पास है और ये आ जाएगा लॉग 7 बेस 6 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 8 बेस 7, चेन रूल लगाइए देखिए 6 से 7, 7 से 8, तो दिस विल बी लॉग बेस 2 पे लॉग 8 बेस 6, ठीक है, ये अपने पास आ जाती है चीज। तो फाइनली अपने पास देखो ये वाला बॉक्स तो बन आ चुका है, ये वाली चीज अपने पास ये आया है लिखा हुआ और ये वाली चीज में अपने पास ये आया हुआ लिखा हुआ, अब ये दोनों तो ऐड होंगे है ना, ये प्लस में हो रहा है, देखो प्लस में हो रहा है, तो ये दोनों ऐड होंगे, जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा इसको और इसको, तो इन दोनों को ऐड करते ही देखिए मेरे पास लॉग बेस 2 तो बाहर आएगा
और अब मल्टीप्लाई होंगे अंदर दोनों क्योंकि प्लस है, तो यहां पर आ जाएगा log 6 बेस 4 और मल्टीप्लाइड बाय log 8 बेस 6, log 8 बेस 6, तो देखिए 4 से 6 पे और 6 पे 8 पे, अगेन चेन रूल, तो दिस विल बी log बेस 2 पे log 8 बेस 4, ये अपने पास चीज आ जाती, ठीक है। अब जैसी बच्चों ये चीज अपने पास आ गई, तो यार यहां से आप इस बात को समझिए कि देखिए इसका आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यहां से, ये जो 8 है 8 को आप बोल सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब तो ये 3 ऊपर बाहर आ जाएगा, और ये जो 4 है 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो जैसे आप स्क्वायर लिखेंगे तो ये भी बाहर आ जाएगा 2 डिनोमिनेटर में, और log 2 बेस 2 तो 1 होता है, मतलब ये वाला जो पूरी चीज है ये सिंपलीफाई होकर आपके पास आएगी log बेस 2 पे 3 बाय, ठीक है, ये चीज आपके पास आएगी, और यहां पर आपके पास लिखा हुआ है 1, मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखूं तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस ये जो लिखा हुआ है log बेस 2 पे 3 बाय 2, इसको आप लिख सकते हैं log 3 बेस 2 और माइनस log 2 बेस 2, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देख लीजिए आप ध्यान से, ये log 3 बेस 3 बाय 2 बेस 2 है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये log 2 बेस 2 अगेन 1 होता है, तो जैसे आप इसको भी 1 लिखेंगे तो ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, मतलब कि ये जो c है, ये जो c है, ये वाला जो पूरी सारी की सारी चीजें थी, ये पूरा का पूरा सॉल्व होकर आपके पास आएगा सिर्फ और सिर्फ log 3 बेस 2, और आप सबको बच्चों ये बात पता होनी चाहिए कि log 3 बेस 2 जो भी होगा वो 1 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि log 4 बेस 2 की वैल्यू 2 होती है, log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 होती है, मतलब log 3 बेस 2 जो होगा वो 100% 1 और 2 के बीच में लाइक करेगा 100%, क्योंकि log 2 बेस 2 1 होता है, log 4 बेस 2 2 होता है, तो यहां पे इन दोनों के बीच में अगर होगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक अगेन 1 आ जाएगा, देख लीजिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बीच में जो भी इंटीग्रल वैल्यू उसकी आएगी 1 पॉइंट समथिंग ही होगा, मतलब इंटीग्रल पार्ट तो 1 ही आएगा, तो हमने बहुत आसानी से ए बी और सी निकाल लिया है। अब हम देखते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्या था, बहुत ही सरल था, मैं जल्दी से उसको आपके लिए लिख देता हूं और फिर अपन उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देखिए हमने ए बी सी निकाल लिया है, मेन मेहनत इसी में थी, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है बताइए ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो यार ये तो बहुत ही तुच्छा सवाल हो गया, अगर ए बी सी हमने निकाल लिया तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 34, बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास अब इसके बाद जो लिखा है, मेन मेहनत जो थी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है log a बेस 2 प्लस log b बेस 2 प्लस log c बेस 2, हमें बच्चों इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप देख लीजिए बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा log a बेस 2, जैसे आप a को 1 रखेंगे तो log 1 बेस 2 तो 0 आएगा, जैसे आप b को 32 रखेंगे तो log 32 बेस 2 5 आएगा, और जैसे आप c को 1 रखेंगे अगेन log 1 बेस 2 0 आएगा, मतलब कि सेकंड वाले का अपने पास आंसर आ जाएगा 5, पहले वाले का अपने पास आंसर आ चुका है 34, सेकंड वाले का अपने पास आंसर आ जाएगा 5, विच इज ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन बच्चों अपने पास दिया हुआ है, हमें बताना है मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी प्लस सी, इसकी हमको बच्चों वैल्यू बतानी है, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी प्लस सी, तो देखिए मॉड्यूलस ऑफ a इज 1 माइनस 32 एंड प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 32 इज माइनस 30, तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस 30 इज 30, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, और d ऑप्शन है बच्चों अपने पास 30 आंसर दिया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ठीक है बेटा, विद दिस हम अपने आज के एक्साइटिंग से लेक्चर के एंड पे आ चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा और आपने आज के लेक्चर से कुछ ना कुछ नया सीखा भी होगा। तो अगर आपने आज मुझसे कुछ नया सीखा है तो मुझे कमेंट्स में शेयर करें, और एक्सरसाइज 1 में आपको और कौन से सवालों की प्रैक्टिस करनी है वो भी मुझे आप बताएं। थैंक यू।